अगर जी वैगन पसंद है और उतने पैसे नहीं है तो भाई फोर्स की गुरखा ले लो। और इससे पहले आप बोलो, अरे भाई पागल है क्या, कहाँ वो 2-3 करोड़ की जी वैगन और कहाँ है फोर्स गुरखा। तो भाई रुको जरा, सबर करो। फोर्स अपनी गुरखा में यूज करता है मर्सिडीज बेंज का 2.6 लीटर का OM6511 डीजल इंजन, जो कि अराउंड 1980s के समय की जी वैगन में आता था। हाँ माना कि काफी पुराना इंजन है, लेकिन फोर्स ने उसे PS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेट भी किया है। इंजन के साथ साथ फोर्स के पास जी वैगन का जो ट्रांसमिशन है उसका भी लाइसेंस है, यानी ट्रांसमिशन के भी मजे। इन सब चीजों के साथ अगर लुक्स की बात करें तो वो भी काफी सिमिलर है, यानी वही माचो डिजाइन, राउंडेड हेडलाइट्स, सेम इंडिकेटर एक्सेट्रा। पर दोस्तों, जो फोर्स गुरखा का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका इंटीरियर। मतलब लिटरली इसका इंटीरियर ऐसा बेसिक सा, ऐसा बहुत ही बोरिंग सा है। और शायद यही एक रीजन भी है जिसके कारण गुरखा की सेल्स काफी कम है एज कम्पेयर टू थार, क्योंकि इंडियंस को चाहिए फीचर्स और प्रीमियमनेस। कमेंट्स में बताना कि आपको गुरखा पसंद है या फिर थार।